अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम मौजूद हैं बैरियर टाउन लाहौर में और हम विज़िट करेंगे बहुत ही खूबसूरत घर। 10 मरला ये घर है, 35-65 इसकी डिमेंशन है। और सबसे पहले ये इसका रोड व्यू है, वाइड रोड पे घर लोकेटेड है, पार्किंग स्पेस है बिल्कुल सामने, कमर्शियल मार्केट इसके नियर टू है, पार्क लोकेशन इसके बिल्कुल करीब है। ये इसके फ्रंट एलिवेशन का व्यू है, फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं फुली टाइल कवर्ड है, ये रेक्टेंगुलर कटिंग में इसमें फुली टाइल वर्क हुआ है। बिल्कुल सामने ये इसमें बेडरूम की विंडो है, ये इसका टेरेस है, ये फ्रंट वॉल आप देख सकते हैं, आउटर लॉन है, और ये इसमें मेन डोर डिज़ाइन किया गया है। और ये आप व्यू कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत जो है, ब्लैक कलर में इसको पेंट किया गया है, बिल्कुल सिंपल और खूबसूरत इसका डिज़ाइन है। और इसके साथ ये इसमें रैंप स्पेस है, ये गराज है, गराज में आपकी दो बड़ी गाड़ियाँ इजीली पार्क होंगी। और अगेन जो है गराज में भी ये फुली टाइल कवर्ड इसकी वॉल है, फ्रंट वॉल, और एंट्रेंस के साथ लेफ्ट साइड पर ये 5 फीट गली है, और ये राइट साइड पे आप देख सकते हैं ये फ्रंट ओपन स्पेस डिज़ाइन की गई, आउटर लॉन है, प्लांटेशन की गई है, वाटर यूनिट है। ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है, ये बिल्कुल सामने मेन डोर है, ये ड्राइंग रूम के डोर से हम इंटर होंगे। और ये आप व्यू कर सकते हैं ड्राइंग रूम में, ये मोल्डिंग वर्क हुआ है, ग्लोब या स्टोर है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। इसके साथ ये विंडो है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई है, बाइक से इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी। तो ये इसका ड्राइंग रूम एरिया है, और इसके साथ ही ये लिविंग एरिया डिज़ाइन किया गया है। और ये आप देख सकते हैं एक वाइडर अकोमोडेशन है इसके लिविंग एरिया में, ये मीडिया वॉल में ये वुडन स्ट्रिप्स डिज़ाइन की गई है, कंसोल दिया गया, 5 प्लेस है, और ये इसके फ्रंट फीचर वॉल पे मोल्डिंग वर्क है, ग्लोब या स्टोल है, सीलिंग डिज़ाइन में वुडन वर्क है, नीचे ग्राउंड पे 2x4 की टाइल है। और ये 2 बेडरूम बैक साइड पर दिए गए हैं, ये इसमें किचन स्पेस है, पहले हम इसका किचन विजिट करेंगे। और ये आप व्यू कर सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, इसमें कैबिनेट डिज़ाइन की गई है, ये हैंडल बहुत ही खूबसूरत इसके लुक है, हाइड्रोलिक कैबिनेट दी गई है, ये लोअर कैबिनेट आप देख सकते हैं, बर्नर हुड या इंस्टॉल है, और इसके साथ सिंक या इंस्टॉल है, इसमें विंडो है, वॉल के साथ पूरी टाइल वर्क है। तो ये इसमें किचन का व्यू है, ये हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, और ये आप व्यू कर सकते हैं लिविंग एरिया अगेन जो है बहुत ही खूबसूरत, ओवरऑल इसको एक लुक दी गई है। ये मेन डोर है इसका, यहाँ से आप इंटरेस्ट मेन इसकी इंटरेस्ट ये है, हम इंटर हुए थे ड्राइंग रूम के डोर से। और इसके साथ ये 2 बेडरूम है बैक साइड पर, पहले हम इसका फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे। और ये अगेन आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत इसकी ये बेड सेट बोर्ड और सीलिंग डिज़ाइन को मर्ज किया गया है, बहुत कुछ सिंपल सा इसका डिज़ाइन है, ग्लोब या स्टोन है, और ये वार्डरोब आप देख सकते हैं हाई ग्लास इसमें शीट यूज़ की गई है, ये इसमें विंडो है, सेफ्टी के लिए इसमें यूज़ की गई, और बैक से भी ये स्टेयर्स दी गई हैं, और ये राउंड स्टेयर्स नहीं दी गई, वो सेफ नहीं होती फुल, तो बहुत ही खूबसूरत इसमें बैक साइड पर स्टेयर्स को डिज़ाइन किया गया। ये इसके बेडरूम का व्यू था, अभी हम इसका ये वॉशरूम विजिट करेंगे। तो वाइडर जो है इसका वॉशरूम का व्यू है, वैनिटी मिरर सीलिंग डिज़ाइन, शावर सेट या इंस्टॉल है, तो ये इसमें वॉशरूम एरिया डिज़ाइन किया गया, ये इसका ओवरऑल व्यू है। ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसका सेकंड बेडरूम विजिट करेंगे। ये इसका लिविंग एरिया और इसके साथ ये सेकंड बेडरूम डिज़ाइन किया गया, और ये आप देख सकते हैं अगेन एक वाइडर अकोमोडेशन इसको भी डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल सामने ये विंडो है जो इसकी बैक गली की साइड गली की तरफ ओपन होगी, सेफ्टी इसमें यूज़ की गई है, ग्लोब या इंस्टॉल है, और सीलिंग डिज़ाइन इसका बिल्कुल सिंपल है। इसके साथ ये इसमें वॉशरूम एरिया दिया गया, बिल्कुल सामने ये वैनिटी है, मिरर है, और ये वार्डरोब बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं, स्लाइड वार्डरोब दी गई है इसमें, बहुत ही खूबसूरत इसका डिज़ाइन है, और हाई ग्लास इसमें शीट यूज़ की गई है, ये इसमें कमोड एरिया आ जाता है, शावर सेट है, फुली टाइल कवर्ड है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल है। तो ये इसमें वॉशरूम का व्यू था, ओवरऑल जो है बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन दी गई है इसके वॉशरूम को भी। और ये हम वापस आ गए हैं इसके बेडरूम में, ये बेडरूम हम फुली विजिट कर चुके हैं। तो इस घर में जो डोर हैं वो सॉलिड वुड में डिज़ाइन किए गए हैं, प्लस इस घर की कंस्ट्रक्शन है। ये 2 बेडरूम हम विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसके लिविंग एरिया में मौजूद हैं, और साथ किचन स्पेस है, ये ड्राइंग रूम एरिया है, तो इस तरह इसका ग्राउंड फ्लोर डिज़ाइन किया गया है। अभी हम इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं डबल यूनिट घर है, या अलहदा से जो डोर दिया गया फर्स्ट फ्लोर को जो अप्रोच कर रहा है, और इसके साथ ये साइड डोर दिया गया है, ये इसमें इसके साइड 5 फीट गली की तरफ ओपन होगा, तो प्रॉपर जो है डबल यूनिट घर है, ऊपर वाला पोर्शन आप सेपरेट यूज करेंगे। ये हम ऊपर आ गया फर्स्ट फ्लोर पे, इसकी लॉबी में बिल्कुल सामने ये टेरेस डिजाइन किया गया फ्रंट साइड पे, और फ्रंट साइड पे ये इसमें बेडरूम दिया गया, इस तरह इसके फ्रंट साइड डिजाइन की गई है। तो ये इसके लिविंग एरिया मेन डोर है, पहले हम इसका लिविंग एरिया विजिट करेंगे। ये आप व्यू कर सकते हैं अगेन जो है एक मास्टर अकोमोडेशन में, मास्टर साइज में लिविंग एरिया दिया गया, बिल्कुल सामने मीडिया वॉल है, ये इसकी फ्रंट फीचर वॉल है, सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सेम ग्राउंड फ्लोर की तरह इसे डिज़ाइन किया गया, बिल्कुल सामने किचन स्पेस है, और आप देख सकते हैं मास्टर अकोमोडेशन में इसको भी सेम टू ग्राउंड फ्लोर की तरह किचन इसका डिज़ाइन किया गया फर्स्ट फ्लोर पे। और इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया,
और आप देख सकते हैं बहुत ही प्रॉपर जो है इसके किचन स्पेस को और स्टोर रूम को यहाँ पे इसकी अकोमोडेशन दी गई है। ये दो बेडरूम इस घर की बैक साइड पे दिए गए हैं। पहले हम इसका एक फर्स्ट बेडरूम विजिट करेंगे, तो ये हम इसके मास्टर स्वीट में आगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जो है इस घर की अकोमोडेशन है। बिल्कुल सामने यह वाइडर विंडो है, सीलिंग डिज़ाइन आप व्यू कर सकते हैं इसका, बिल्कुल सिंपल इसका सीलिंग डिज़ाइन है। ये इसमें वार्डरोब दी गई है और नीचे ग्राउंड पे 2x4 के टाइल है। तो ये इसमें जो है मास्टर बेडरूम था, इसके साथ ही वॉशरूम दिया गया, वैनिटी है, मिरर है, शावर सेट के इंस्टॉल है। आप देख सकते हैं फुली टाइल कवर्ड है, सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं, कमोड या इंस्टॉल है। तो ये इसमें बेडरूम का व्यू था। ये बेडरूम आप फुली विजिट कर चुके हैं, अभी हम इसका ये सेकेंड बेडरूम विजिट करेंगे। इसके साथ ये सेकेंड बेडरूम डिज़ाइन किया गया और ये आप व्यू कर सकते हैं। अगेन जो है इस घर में ज़्यादा वॉलपेपर यूज़ नहीं किए गए, वो आप अपनी मर्जी से इंस्टॉल कर सकते हैं, मजीद से डेकोर कर सकते हैं। सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है, ये आप वार्डरोब दे सकते हैं, यहाँ पे ग्लोब या इंस्टॉल है। तो बिल्कुल सेम टू ये फर्स्ट बेडरूम की तरह इसको भी डिज़ाइन किया गया। तो ये इसके बेडरूम का व्यू था। इसके साथ ये इसमें वॉशरूम एरिया बिल्कुल सामने, ये वैनिटी है, मिरर है, विंडो है और फुली टाइल कवर्ड है, शावर सेट इंस्टॉल है, ये कमोड एरिया है। तो इस तरह इसका ये सेकेंड बेडरूम डिज़ाइन किया गया। ये इसके ओवरऑल व्यू था इस बेडरूम का। ये हम वापस आ गए इसके लिविंग एरिया में। ये दो बेडरूम बैक साइड पे थे, ये हमने विजिट किया, ये लिविंग एरिया हमने विजिट किया। इसके साथ किचन स्पेस है, इसके साथ ये स्टोर रूम दिया गया। अभी हम इसका थर्ड बेडरूम विजिट करेंगे। ये फ्रंट एलिवेशन पर साइड पे डिज़ाइन किया गया। इसके साथ ये टेरेस है, टेरेस हम लास्ट में विजिट करेंगे। और ये हम आ गए हैं इसके फ्रंट साइड के बेडरूम में। और ये विंडो दी गई है, इसमें बालकनी दी गई है, ये वार्डरोब आप व्यू कर सकते हैं। अगेन जो है बिल्कुल सिंपल इसकी वॉल डिज़ाइन की गई है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं वॉलपेपर वगैरह। सीलिंग डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल है इसका। और इसके साथ ये वॉशरूम आ जाता है बिल्कुल सामने, ये वैनिटी है, मिरर है और आप देख सकते हैं हाइटेड इसमें ये मिरर यूज़ किया गया है। ग्लास पैनल के साथ ये विंडो है जिसके टेरेस की तरफ ओपन होगी। और ये कमोड एरिया आ जाता है, शावर सेट यहाँ पर इंस्टॉल है, पूरी टाइल कवर्ड है। ये सीलिंग डिज़ाइन आप देख सकते हैं। तो ये इस वॉशरूम के ओवरऑल व्यू था, लुक थी इसकी। तो ये हम वापस आ गए हैं इसकी लॉबी में। ये थर्ड बेडरूम दिया गया इसके फ्रंट साइड पे, और फ्रंट साइड पे ये टेरेस डिज़ाइन किया गया। ये टेरेस अभी हम विजिट करेंगे। ये डबल डोर दिया गया टेरेस में और बहुत ही खूबसूरत इसके टेरेस को भी डिज़ाइन किया गया। ये वाटर यूनिट दिया गया और ये आप देख सकते हैं ब्रॉड जो है इसका व्यू है फ्रंट से। बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन है इस घर की, कंस्ट्रक्शन बड़ी अच्छी है और लोकेशन बहुत ही खूबसूरत है। और इसके जो फ्रंट पे रोड है वो आप देख सकते हैं, पार्किंग के लिए जो है स्पेस यहाँ मौजूद है। आप कि अगर 10 से 15 गाड़ियाँ दी हैं तो इजीली आपके घर के सामने वो पार्क हो सकती हैं। ये अभी हम इसकी छात्र बम्पी विजिट करेंगे। ये इसकी छत का व्यू है और ये अलहदा से इसमें इसकी छत में आप देख सकते हैं सर्वेंट रूम दिया गया। इसके साथ ये वॉशरूम अलहदा से मैनेज किया गया, ये सिंक दिया गया, मिरर या इंस्टॉल है और ये वाटर यूनिट दिया गया, यानी कि प्रॉपर एक सर्वेंट की रहाइश का बंदोबस्त है यहाँ पे। इस घर की जो डिमांड है 4,40,00,000 इस घर की डिमांड है। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड हैं, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, हम आपसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।